हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटर के निमोने की रेसिपी। ये बहुत खाने में स्वादिष्ट लगती है और ये फ्रेश मटर से बनाने पे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम इसे फ्रोजन या प्रिजर्व मटर से बनाते हैं तो वो उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती है, क्योंकि जो फ्रेश और हरे मटर होते हैं वो बहुत मीठे स्वाद के होते हैं। तो आइए देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। निमोने बनाने के लिए देखिए, मैंने एक कटोरी मटर लिया है। ये 400 ग्राम मटर हैं और ये मैंने दो बड़े साइज के प्याज को काट के लिया है और ये दो तीन आलू को मैंने काट के बड़े बड़े टुकड़ों में लिया है। आलू आप अपने पसंद के अनुसार इसमें डाले भी या बिना बगैर आलू का भी बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने पर इसमें एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब चटक जाएगी तब हम इसमें दो तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हम हल्का भूनेंगे। हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें एक या दो तेज पत्ता डालेंगे, इसे भी हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे। तो अब सभी चीज़ें भून गई है तो इसमें अब हम डाल देंगे बारीक चौके हुए प्याज और इसे भी हम भूनेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम इसमें आलू को डाल देंगे, क्योंकि हमें आलू भी इसके साथ ही भूनना है। जब तक हमारी आलू इधर भुनेगी तब तक हम मटर को एक मिक्सर जार में डाल के और इसे दरदरा पीस लेंगे। मटर को हम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, उसे सिर्फ कोर्स ही पीसना है। इधर हम आलू को बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और लीड लगा के इसे कुक होने देंगे, जिससे कि आलू थोड़ी पक भी जाएगी। तो आलू अब लगभग भून चुकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी। हल्दी हम बहुत थोड़ी सी डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हम काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सबको हम अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे। अगर निमोने को आप बिल्कुल ग्रीन रखना चाहते हैं तो हल्दी ना डालें या बहुत थोड़ी सी डालें और एक छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। मसाले अब भून चुके हैं, इसे अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पीसे हुए मटर और इसे भी हम भूनेंगे। मटर को भूनेंगे हम 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि इसे अच्छी तरह भूनना पड़ता है, नहीं तो इसका जो कच्चापन है उससे हमारी ग्रेवी बनने के बाद अच्छी फ्लेवर नहीं आएगी। और स्वादानुसार हम नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसके बाद हम भूनेंगे इसे। निमोने में एक लाजवाब स्वाद लाने के लिए इसमें हम एक बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे भूनते समय। भूनते समय देसी घी डालने से मसाले अच्छी तरह भून जाती है और बहुत ही अच्छी स्वाद इसकी उभर के आती है। तो देखिए, मैंने देसी घी डाल के भी इसे 1-2 मिनट और भून लिया है। अब हमारी ये पूरी मसाले भून के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पीसे हुए मटर डालने के बाद मसाले को भूनने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, इसे अच्छी तरह भूनना चाहिए। देखिए, हमारी मटर भी भून गई है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसकी जो ग्रेवी होती है निमोने को, आप पतली और गाढ़ी अपने हिसाब से रखें। मैं इतनी गाढ़ी रख रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार इसे पतला और गाढ़ा कर सकते हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया पत्ता और दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लीड लगा के इसे और थोड़ी देर कुक होने देंगे। इसे मिक्स कर देंगे और कवर लगा के इसे 3 से 4 मिनट तक हम अच्छी पकने देंगे। तो 3-4 मिनट हो गए हैं इसे कुक होते हुए। अब हम कवर हटा के इसे चेक कर लेंगे। हमारी निमोना बनके तैयार है। कहीं इसे मटर के ग्रेवी बोले जाते हैं, कहीं इसे मटर की कढ़ी बोली जाती है। आप इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम फिर मिलते हैं इसी तरह की नई नई टेस्टी रेसिपी के साथ।